हेलो नमस्ते एवरीवन। सो मेरी चैनल कामना द ड्रीमर में आप सभी का स्वागत है। तो हस्बैंड आ चुके हैं सिंगापुर से, कल रात आज रात को ही आए 4 बजे के आसपास तक। तो और आते ही मैं आपको दिखाती हूँ कि शोना के लिए चॉकलेट लेके आए हैं। तो शोना बहुत एक्साइटेड है उसके लिए, मैं आपको बताती हूँ कितना ज़्यादा ये कर रहे हैं। ठीक है, तो शोना के पापा आ गए हैं और ये देखो शोना के लिए क्या लाए हैं। क्या है शोना ये सब? शोना क्या है? हटाओ उसको। तो शोना कैसे था, मम्मा पापा आएंगे और चॉकलेट लाएंगे और उसको पापा ज़्यादा चौकी की पड़ी थी तो देखो उसको मिल गया। शोना मम्मा को ओपन करके दिखाओ। सिंगापुर का चॉकलेट, चलो एक ओपन करते हैं और देखते हैं कैसा है। यप्पी, तो इस चॉकलेट का ये है कि जो सिंगापुर में सेंटो प्लेस है वहाँ पे ये लाइन है, जैसे कि आपने काफी टाइम देखा होगा। तो ये बॉक्स भी ऐसे ही है और इसके अंदर के जो चॉकलेट्स हैं वो भी इसी डिजाइन के हैं। फटाफट दूसरा पैक खोलते हैं। दूसरा पैक उसकी बुआ खोल रही है। शोना कैसे लेके बैठी है अपना चॉकलेट, मम्मा को दोगे? थैंक यू। बुआ को दे दूं मैं? हाँ, चॉकलेट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें आलमंड है, बस इतना ही डिफरेंस है। इसमें डिजाइन भी सेम पुराने चॉकलेट जैसा ही है, इसमें भी लाइन का डिजाइन बनाया हुआ है बस। तो इन लोगों का चॉकलेट विकलेट खोल के हो गया देखो तो, और हमारा पूजा भी हो गया अच्छे से। ठीक है, और ये देखो ऊपर बुट्टू भी आई है। हेलो बुट्टू। नमस्ते एवरीवन फ्रॉम बुट्टू। और ये देखो हमारी शोना यहाँ पे खड़ी है। बुट्टू डांस हमको बता रही है, पंछी उड़ी बन के चलो। सो चलिए चलते हैं। देखो सुना यहाँ पे खड़ी है। आज बुट्टू चलो 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 चलो। तो अभी हम सब जा रहे हैं नीचे। आज स्पेशल ये है कि आज रियो का बर्थडे है। ठीक है, ये लोग सिंगापुर से भी आ गए हैं और इन लोगों को थोड़ा काम है, सो कहीं और भी। हाँ, तो सोना मतलब ये लोग कहीं जाना भी है किसी काम से, और शाम को रिया का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि वो जेपी होगा या यहाँ पे होगा। तो चलिए लिफ्ट आ गई, वेट करते करते चलते हैं। तो रिया का ये बर्थडे का सेलिब्रेशन होगा और इन लोगों को रात को एयरपोर्ट पे लेने के लिए प्रिया, रिया, गिल्लू, पापा जी तो गए ही थे ऑब्वियस, बट ये 3 बच्चे भी गए थे और ये यहीं पर आए हैं। सो इसलिए ऐसा है कि लोग यहीं पे रहेंगे और यहीं से सेलिब्रेशन भी होगा। ठीक है, सो अभी चलो देखते हैं अभी चीजें नीचे। और देखो शोना ने पेंसिल। तो यहाँ पे बन गया हमारा सुबह का खाना। तो मेरी बिंदी गिर गई किचन में, रोटी बना रही थी पसीने की वजह से। तो बच्चे लोग थे वो लोग चले गए बहुत ही जल्दी क्योंकि दीदी ने कुछ बनाया था। आज है रियो का बर्थडे, यही मैंने रखा है स्टेटस पे। गायब हो गई और अभी तक मुझे मिली नहीं। बुट्टू को ब्लॉग करना था, सुन लो इसका भी ब्लॉग। बोलो बुट्टू, हाँ प्लीज बताइए कमेंट में कि बुट्टू का टी शर्ट कैसा है। इसके ऊपर घोड़ा है, उसके ऊपर घोड़ा है न्यू थी। और मेरे पापा तो लंदन से पंची बनो कंटिन्यू। इसके पापा लंदन से आए हैं पंची बन के। यहाँ पे शोना नहा धो के हो गई है रेडी क्योंकि उसका टाइम हो चुका था। तो चलिए अब जैसे कि ये नहा चुकी है तो अब इसको खाना खिलाते हैं क्योंकि बच्चे अक्सर खाना खिलाने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। ये हम सबको घर में रहना ना शोना, क्या कल के जैसे जेपी जाना है आपको? कौन मन लग रहा है? अभी आपको चाची लेके जाएंगे। सभी के घर में ऐसे बच्चे होते हैं, मैं खाना लेके बैठी हूँ और ये उधर से उधर भाग रही है। चलो 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 खाना खा लो, अभी बैठी है फिर भाग जाएगी। मैं शोना को खिला विला के हो गई फ्री। ठीक है, और दोस्तों जैसे कि सावन का महीना चल रहा है तो मेहंदी ये सब लगाना बनता है, इसके लिए यहाँ पे पहले सबसे पहले भाभी को मेहंदी लगाया गया क्योंकि बाबू सोया है तो इस वक्त का अच्छा फ़ायदा उठाया जाए क्योंकि उठ जाएगा तो मेहंदी कल लगाने का कोई अर्थ नहीं होगा और मेहंदी तुरंत धुनी पड़ेगी, इसलिए बाबू सोया तो पहले उनको लगा दिया। और जब भाई लगा दिया उनको तो बच्चों से रहा नहीं गया, ऐसे था मुझे लगाओ मुझे लगाओ, तो नेहा ने उनको फिर अच्छे से ही लगा दिया, हाथ पैर सब जगह से मेहंदी लगा के उन लोगों को सजा दिया। बच्चों ने ना बड़े प्रेम से मेहंदी लगवाई है, देख सकते हो ये शोना का पैर है कितना क्यूट सा छोटू सा पैर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे बुट्टू को मेहंदी लग रहा है। तो ये देखिए फाइनल दोनों बच्चों का पैर रेडी है मेहंदी लगा के। सबके लिए भेजा है सैना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए
आजकल ना इसका मौसम चल रहा है, मतलब ये बारिश में ज़्यादा बनता है, इतना ख़त्म भी हो गया है, इसकी पकौड़ियाँ विकौड़ियाँ सब लोगों ने खा के ख़त्म कर दी है, ठीक है। और अभी जैसे कि रिया का बर्थडे है सो भाजी भी आके रखा है, और यहाँ पे ये देखो देखो ये सोना, नहीं बेटा दीवार खराब हो जाएगा। बज रहे हैं 1:30, ठीक है। अब हम जा रहे हैं ऊपर, बिकॉज खाना पीना सबका हो गया है सोना का, ठीक है। अब बच्चे लोग ऊपर जाएंगे और थोड़ा टाइम पास करेंगे, और अब मेहंदी मैं लगाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने भी लगवा लिया और मेरे पैर में भी, बच्चों का मेहंदी लग गया। चलते हैं अभी ऊपर। अभी जैसे सोना सो गई है, 2 बज गए, इसलिए सोना सो गई, और अभी हम लोग सब ये सिंगापुर वाला चॉकलेट खा रहे हैं, और कल सावन है इसलिए अब मैं मेहंदी लगा जा रही हूँ, और मेहंदी लगाएगी हमको नेहा। और ये लड़का दिन भर फुटबॉल खेलता रहता है, बस इसको बॉल मिलना चाहिए। शुरू यहाँ पे मुझे मेहंदी लग रही है, और नेहा ना कुछ भी काम ना बड़ा फील लेके करती, तो इसलिए बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा था और नेहा मुझे अच्छे से मेहंदी लगा रही थी, और ये मेरे फ्रंट हैंड की दोनों हाथ की मेहंदियाँ लग गई, और बुट्टू मुझे प्यार दिखा रही है यहाँ पे, मेरे हाथ में मेहंदी लग गई तो मुझे खिला रही, और नेहा थक गई बट फिर भी बेचारी ने मेरे दोनों हाथ के पीछे साइड भी लगाया। तो दोस्तों ऐसा था कि बस मेहंदी लगानी है और सिंपल ही लगानी है, ज़्यादा कुछ ऐसे हाईफाई नहीं लगाना है, इसलिए मैंने ही बोला कि सर्कल सा ऐसे प्लेन सा मेहंदी लगा दो, इसलिए नहीं आने फिर ऐसे ही मेहंदी लगा ली, क्योंकि बस हमें सावन है इसलिए मेहंदी लगाना था। तो मेरा बाल इग्नोर करना दोस्तों, काफ़ी अभी मैसी मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, तो जैसे कि मेरे हाथों में मेहंदी लग गई है, चलो मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ दोनों हाथों का। ये बहुत ही ऐसे रैंडम और इजी मेहंदी थी, तो हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, बट फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हाथ पे मेरे ये शिवलिंग बना हुआ है, और ये है दीपक, नॉट परफेक्ट बट गुड, और यहाँ पीछे ओम बना हुआ है। तो आपने मेरी मेहंदी देखी, और जैसे कि श्रावण महीने में मेहंदी लगाना बहुत शुभ माना जाता है, खास करके सुहागन के लिए, इसलिए मैंने ये मेहंदी लगाया, और इस मेहंदी लगाने का क्रेडिट जाता है नेहा को। तो थैंक्स टू हर। और अभी चलिए देखो घड़ी में बज रहा है 3:45, ठीक है। तो अभी नीचे भी जाना है और खाने पीने का तैयारी करना है, क्योंकि रिया का बर्थडे है और बर्थडे यहीं पे सेलिब्रेट होने वाला है। सोना सो रही है तो हम भी थोड़ा आधा आधा घंटा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद भी नीचे चलते हैं। बाय। में बज रहे हैं 5:15, तो मैं और सोना जस्ट अभी उठे ही हैं। सोना मेरे पास आ भी नहीं रही है, शायद उसे मेरी मेहंदी से डर लग रहा है। सोना को दूध पिला के रेडी करके उसके दादू के साथ भेज दिया उसको नीचे। हमारा भी यहाँ पे चाय का और बर्तन का काम हो गया पूरा रैप, तो चलिए अब हम भी ये मटके में पानी भर के चलते हैं नीचे। मैं इस फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर ही रही थी कि स्टोरेज हो गया पूरी तरीके से ख़त्म, ठीक है। तो मेरा बर्तन और कपड़ों को जगह जगह रखना हो गया है, और अभी बज रहे हैं 6, और दीदी लोग कोई नहीं आए, ठीक है। खिड़की भी बंद कर देती हूँ, तो दीदी लोग अभी तक कोई नहीं आया, बट हाँ वो लोग निकल गए हैं आने के लिए, वो लोग शायद अभी रस्ते में होंगे। तो चलो नीचे चलते हैं और चीज़ें कुछ शुरुआत करते हैं, ठीक है, फटाफट। अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, हस्बैंड भी आज गए हैं काम से गए हैं बाहर। चलो अभी उस फ़ोन में स्टोरेज खाली करते हैं, ताकि जो पुराना वीडियो है वो मैं अपलोड कर सकूं, और जो नया वीडियो है वो वापस डाल सकूं, ठीक है। देखिए बारिश जस्ट अभी गहा की गई है, और हमारी लिफ्ट आ रही है, तो चलिए चलते हैं। एंड ये देखिए मैंने ना मेहंदी धो दी, कुछ इस कदर चढ़ी है, तो टोटल मेरे हाथ में मेहंदी कुछ 1.5 घंटे के आसपास थी, ठीक है। और ऐसा कलर आया है, मैं आपको दूसरे हाथ की भी मेहंदी दिखाती हूँ लिफ्ट में ही। फिलहाल शिव जी कल तक ये और डार्क हो जाएगी, मेन चीज़ तो कल ही है, कल सावन का सोमवार है और कल मंदिर जाएंगे, तो तब तक तो बहुत अच्छे से चढ़ी जाएगी। चलो लिफ्ट में आ गए, अभी पहुँचते हैं और देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। और ये लोग देखो आ गए हैं, इधर मम्मी मटर छील रही, शायद मटर का ही कुछ बनने वाला है। अरे दीदी हाय,
और बाकी कोई दिख नहीं रहा है। अच्छा ये देखो दोनों हल्दी सेरेमनी मना रहे माँ बेटे पीला पीला पहन के, और ये देखो दीदी और नेहा शुरू कर रहे हैं। और रिया प्राची, रिया और प्रिया, तो बर्थडे सेलिब्रेशन का पार्ट वन वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ दोस्तों, और जल्द ही पार्ट टू वीडियो अपलोड करती हूँ। तब तक आप इनके सिंगापुर के फ़ोटोज़ के साथ इन्जॉय कीजिए, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो मेरी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, एंड उसे भी ज़रूर चीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बेल आइकन पर ज़रूर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको फटाफट नोटिफिकेशन आए और आप फटाफट आके देख लें। थैंक यू सो मच।